हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जाए फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस चला रखा हूँ, जिसमें मैं प्रेजेंट टाइम में आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। तो कंप्यूटर में चैप्टर 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 11 प्रेजेंट टाइम में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखो, अब मैं प्रेजेंट टाइम में मेमोरी पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, जो इस वीडियो में मैं जो रैम और रोम, दो प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने पढ़ा दिया कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। उससे पहले मैंने जो चैप्टर 9 था उसमें पढ़ाया था इनपुट आउटपुट सिस्टम के बारे में, उनके एग्जांपल के इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। उससे पहले मैं कंप्यूटर के प्रकार पढ़ा दिया, कंप्यूटर के जो पीडी थी वो पढ़ा दिया, कंप्यूटर में सबसे पहले कौन से वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कब किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कब किया गया था, सेमीकंडक्टर का प्रयोग कब किया गया था। तो ऐसे कुल मिला के मैं टोटल 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की वीडियो बना दिया और 11 डिस्क्रिप्टिव। लेट्स बिगिन। अब हम स्टार्ट करते हैं रैम, प्राइमरी मेमोरी। तो देखो, जो प्राइमरी मेमोरी थी इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। प्राइमरी मेमोरी के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से डिटेल से। अब हम बात करते हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया गया था। एक तो होता है रैम और दूसरा होता है रोम, और एक कैश मेमोरी भी होती है। लेकिन रैम और रोम ये दो प्राइमरी मेमोरी के भाग हैं, एक है रैम दूसरा है रोम। अब हम यहाँ पढ़ेंगे रैम के बारे में। रैम के बारे में पढ़ेंगे हम कि रैम क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ रैम की फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको आपको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह है कंप्यूटर की मुख्य स्मृति है। क्या है? ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है, कंप्यूटर की एक मुख्य स्मृति है। यह एक अस्थाई मेमोरी है। यह एक अस्थाई मेमोरी है डाटा को संग्रहित रखने के लिए। डाटा को संग्रहित रखने के लिए निरंतर विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है कि जो रैम है वो एक अस्थाई मेमोरी है। इसमें यदि आपको डाटाओं को सेव रखना है या डाटाओं को सुरक्षित रखना है, स्टोरेज करना है, तो आपको निरंतर विद्युत की सप्लाई चाहिए। कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर बंद होगा ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी। रैम मेमोरी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक अस्थाई मेमोरी है, क्योंकि यदि जैसे कंप्यूटर शट डाउन होगा या बंद होगा, वो चाहे फिर लाइट से हो या फिर आप चाहे खुद करो, तुरंत मेमोरी डिलीट हो जाएगी। जब तक कंप्यूटर चालू रहेगा तब तक इसमें जो भी ये इंफॉर्मेशन है, डाटा है, सभी के सभी सुरक्षित रहेंगे, स्टोरेज रहेंगे। इस मेमोरी के हर एक स्थान तक एक समान समय में पहुंचा जा सकता है। इस मेमोरी के हर एक स्थान तक एक समान समय में पहुंचा जा सकता है कि यदि आप रैम मेमोरी का जो किसी भी पार्ट में जाओगे तो उस तक पहुंचने के लिए बिल्कुल एक समान समय लगेगा। इसके किसी भी भाग तक पहुंचो, बिल्कुल एक समान समय लगेगा। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है।
कि जो इसमें संग्रहित सूचनाएं होती हैं, जिन इंफॉर्मेशनों को या डाटाओं को हमने सेव किया है, उन सभी डाटाओं को हम चेंज कर सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें इतना कुछ समझाने का था नहीं, एक समझाने की बात है कि रैम में और रोम में हम कन्फ्यूज होते हैं, उसको मैं लास्ट में जब रोम पढ़ाऊंगा उस टाइम आपका जो कन्फ्यूज है वो क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल आजकल बाजार में 16 MB, 32 MB, MB, 64 MB, 128 MB, 512 MB, 1 GB के रैम उपलब्ध है। कि आजकल मार्केट में आपको 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB व 512 MB की रैम मार्केट में मिल जाएगी आपको। इन रैम चिप्स को मदरबोर्ड पर बने सिमस में लगाया जाता है। कि जो ये रैम है इसको मदरबोर्ड पर बने रैम चिप्स में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? सिम्स में। दोबारा पढ़ लूँ कि इन रैम चिप्स को मदरबोर्ड पर बने सिम्स में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? सिम्स में लगाया जाता है। सिम्स ये है सिम्स। सिम्स की फुल फॉर्म है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूलेशन, मेमोरी मॉड्यूल्स, ये इसका फुल फॉर्म है। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स हैं जो सिम्स का फुल फॉर्म है। इसको आप याद करना, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है 2003 से और दिसंबर तक अभी तक एक भी बार इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। ये तो सिम्स की फुल फॉर्म है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है? कि जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, कि जैसे हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो हार्ड डिस्क से रैम पर कॉपी हो जाता है। कि जैसे ही हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो निर्देशों का समूह है वो हार्ड डिस्क से रैम पर कॉपी हो जाता है। एवं जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो ये गायब हो जाता है। क्या है?
कि जैसे ही हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो निर्देशों का समूह है वो हार्ड डिस्क से रैम पर कॉपी होता है, लेकिन जैसे हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वो जो निर्देश थे वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं, सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। वो डिलीट क्यों होते हैं आपको मैंने पहले बता दिया था कि रैम एक अस्थायी मेमोरी है, जैसे लाइट जाएगी ये सारी डिलीट हो जाएगी। अब या तो आप उसको शट डाउन करो तो भी डिलीट हो जाएगी, लाइट जाएगी तो भी डिलीट हो जाएगी, ऐसे नहीं कि लाइट जाएगी तभी, आप उसको बंद करोगे जैसे ही आपका, एक डायरेक्टली कह सकता हूँ मैं कि कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए। यदि आपको रैम का जो स्टोरेज है उसमें जो डाटा स्टोर है उनको यदि आपको स्टोरेज रखना है, उनको संग्रहित रखना है, तो आपको कंप्यूटर को चालू रखना होगा। जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा वो सारी सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। तो ये था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो रैम है उसको दो पार्टों में डिवाइड किया जाए, दो पार्टों में नहीं कुछ है। रैम को दो भागों में डिवाइड किया गया, रैम को दो भागों में विभाजित किया गया। जो रैम है उसको दो भागों में विभाजित किया गया, पहले डायनेमिक मेमोरी और दूसरी है स्टैटिक मेमोरी। कि जो रैम है उसको दो भागों में विभाजित किया गया, एक है डायनेमिक मेमोरी और दूसरी है स्टैटिक मेमोरी। क्या है? एक तो डायनेमिक मेमोरी है, दूसरा स्टैटिक मेमोरी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डायनेमिक मेमोरी। सबसे पहले हम डायनेमिक मेमोरी के बारे में बात करते हैं कि डायनेमिक मेमोरी होती क्या है। यह है आकार में छोटी होती है, कि जो डायनेमिक मेमोरी होती है वो आकार में छोटी होती है। इसका जीवन काल छोटा होता है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। डायनेमिक मेमोरी है आकार में छोटी होती है, इसका जीवन काल छोटा होता है और इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो ये था डायनेमिक मेमोरी के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टैटिक मेमोरी, इसके बारे में, स्टैटिक मेमोरी के बारे में कि स्टैटिक मेमोरी क्या होती है। यह अधिक स्थान लेती है, आकार में बड़ी होती है, डायनेमिक मेमोरी की तुलना में महंगी होती है। यह एक दीर्घकाल तक रहती है, यह एक दीर्घकाल मेमोरी है। क्या है? ये एक दीर्घकाल मेमोरी है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। देखो ये थी दो मेमोरी, डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी। देखो डायनेमिक मेमोरी में कुछ ऐसा है नहीं स्पेशल, यह आकार में छोटी होती है। जब आकार में छोटी होती है तो क्या होता है, स्थान कम लेती है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं डायनेमिक मेमोरी आकार में छोटी है, स्थान कम लेती है। जब स्थान भी कम ले रही है, आकार में भी छोटी है, तो ये सस्ती होती है। इसका जीवन काल छोटा होता है, जब इसका जीवन काल छोटा है तो उसको क्या करना होता है, बार बार रिफ्रेश करना होता है। हम बात करें स्टैटिक मेमोरी की, ये आकार में बड़ी होती है, ये स्थान भी अधिक लेती है। जब आकार में भी बड़ी होगी, स्थान भी अधिक लेगी, तो क्या होगा, ये महंगी भी होगी। कि जब मेमोरी आकार में बड़ी है, स्थान अधिक ले रही है, तो डायरेक्टली बात है वो महंगी भी अधिक होगी।
इसका जीवन काल अधिक होता है। जो स्टैटिक मेमोरी होता है इसका जीवन काल लंबा होता है, दीर्घकाल होता है, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता। इस मेमोरी को, जो स्टैटिक मेमोरी है, इसको रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है, जो टाइम पीरियड है, वो बहुत लॉन्ग होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो बहुत ही लंबा होता है, दीर्घकाल होता है, तो इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेमोरी है रोम। रोम क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। दूसरी है रोम। देखो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्या है रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब हम इसको साफ कर देते हैं, पढ़ लिया होगा आपने। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता। देखो एक तो थी रैंडम रैम और एक था रोम। रीड ओनली मेमोरी ये एक अस्थाई मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब इस शब्द को पढ़ो, रीड ओनली मेमोरी केवल पढ़ सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ भाई रीड पढ़ना, ओनली केवल पढ़ सकते हैं, कि जो ये मेमोरी होती है इसको केवल पढ़ सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं, कि जो रोम होता है उसको ओनली रीड कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेमोरी में हम किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते। जब आप इस मेमोरी को केवल पढ़ सकते हो तो आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, और जब आप इस मेमोरी में किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है, ये मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है। इसमें आप कोई भी डाटा सेव कर दिया तो वो डाटा बिल्कुल परमानेंट रहेगा, उसमें आप ना तो डिलीट कर सकते और ना उसको चेंज कर सकते। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये एक दोबारा बताता हूँ मैं, एक रीड ओनली मेमोरी है, ये केवल पढ़ने की मेमोरी है। इसमें हम जो डाटा सेव है उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते। लाइट जाने पर या कंप्यूटर के बंद होने पर यह मेमोरी डिलीट नहीं होती है, बिल्कुल बनी रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे रैम एक अस्थाई मेमोरी है, ये रीड ओनली मेमोरी है, इसको केवल पढ़ सकते हो, इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, इसकी वजह से ये अस्थाई मेमोरी होती है। यह है एक स्थाई मेमोरी कि जो रोम है वो एक स्थाई मेमोरी है, इसमें संग्रहित सूचना विद्युत जाने या कंप्यूटर के बंद होने पर डिलीट नहीं होती। कि जो रोम है वो एक स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। इसमें संग्रहित सूचना लाइट के जाने या फिर कंप्यूटर के बंद होने पर डिलीट नहीं होती, जबकि जो रैम था वो एक अस्थाई मेमोरी था। इसमें जब लाइट चली जाएगी या किसी भी तरीके से कंप्यूटर बंद हो जाएगा तुरंत जो आपने डाटा सेव किया तो वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, जबकि रोम में ऐसा कुछ नहीं है। ये रीड ओनली मेमोरी है। इसमें संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है। उन्हें बदला नहीं जा सकता। कि जो ये मेमोरी है रोम है वो रीड ओनली मेमोरी है, क्योंकि इसमें संग्रहित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। यह मेमोरी कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को
धारण करती है। कि यह मेमोरी कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है, यह इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है, तो वो है रोम। रोम मेमोरी है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है। अब आप इसमें कंफ्यूज होगे कि सर रैम या रोम, हम दोनों में कंफ्यूज होते हैं, रियल में कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि स्टार्टअप रूटीन कौन सी मेमोरी धारण करती है। जब पेपर में ये आएगा तो उसमें रैम भी ऑप्शन रहेगा, रोम भी रहेगा, प्राइमरी भी रहेगा, सेकेंडरी भी रहेगा, चारों रहेंगे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो उस कंडीशन में आप या तो रैम करोगे या फिर रोम करोगे, दोनों में कन्फ्यूज हो जाओगे। तो देखो स्टार्टअप रूटीन को धारण कर रही है, स्टार्टअप रूटीन को धारण कर रही है, तो जो रैम है वो तो तुरंत डिलीट हो जाती है, जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ वो डिलीट हो गई, जबकि रोम है वो डिलीट नहीं होती। अब स्टार्टअप रूटीन को कौन धारण करेगा, जो रैम है वो तो डिलीट हो चुकी, उसमें तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है, उसमें हार्ड डिस्क डिस्क कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डिलीट हो गई, वो जीरो है, जबकि रोम में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, सब कुछ सेव है। अब कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा तो उसको स्टार्ट करने में हेल्प कौन करेगा, रोम ही करेगा। हम जैसे लैपटॉप है उसको स्टार्ट करते हैं, हमने स्टार्ट किया वो बटन दबा के लैपटॉप स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या होता है सर्चिंग चलती है, फिर उसके बाद हमारे पास जो मेन विंडो है वो खुलती है, जिसके ऊपर टास्क बार दिखता है, उसमें जो जो फीचर रहते हैं वो सारे सारे दिखते हैं, जो जितने भी मेन्यू है वो सारे के सारे दिखते हैं, हमारी जो फोटो लगा रखे हम डिस्प्ले पर वो फोटो दिखती है। तो ये सारा चीज़ रैम में तो सेव रह नहीं सकता, क्योंकि रैम तो डिलीट हो चुकी। अब ये सेव किस में, जो हमारी जो मेन स्क्रीन की जो फोटो है वो हमें फोटो दिख रही है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये सपोज डेट बिल्कुल लैपटॉप जैसा है, ये हमारा एक लैपटॉप है सपोज डेट, हमने इसको ऑन किया। अब जैसे ऑन किया तो बिल्कुल इसी तरीके से एक फॉर्मेट दिखता है, जिसमें यहाँ पर क्या होते हैं वो भी मेन्यू रहते हैं, जो जो भी जैसे माइक कंप्यूटर है, कोई गेम डाल रखा है, गेम है, जो भी आपने फोल्डर सेव किया वो सारे फोल्डर हैं, नीचे टास्क बार रहता है, नीचे टास्क बार रहता है, यहाँ पर कॉर्नर में नेट चलाने के लिए ऑप्शन रहता है, उसमें सेटिंग रहती है, साथ ही साथ हमारी जो फ़ोटो लगा रखे हैं मैं डिस्प्ले पर वो फ़ोटो दिखती है। तो ये किस में सेव है, ये सारे सारे रोम में सेव है, क्योंकि यदि ये रैम में होते तो रैम मेमोरी तो डिलीट हो गई, क्योंकि रैम मेमोरी विद्युत को जाते ही डिलीट हो जाती है, लाइट को जाते ही डिलीट हो जाती है, कंप्यूटर को बंद होते ही डिलीट हो जाती है। यदि ये रैम में होते तो ये डिलीट हो चुके होते, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, सारा का सारा बिल्कुल लैपटॉप बिल्कुल इसी तरीके से रहता, एक यहाँ लाइट जलती, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन ये रोम में सेव थे, इसकी वजह से हमें सारे के सारे जो भी डेटास थे वो सारे के सारे वापस दिखने लग गए। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो रोम है वो स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है, क्या करती है, स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है, रैम धारण नहीं करती क्योंकि वो तुरंत डिलीट हो जाती है, कंप्यूटर के बंद होते ही वो डिलीट हो जाती है। रोम में डाटा संग्रहित करने को बर्निंग ऑफ डाटा, कि रोम में डाटा संग्रहित करने को बर्निंग ऑफ डाटा या जलाना कहते हैं। कि रोम में डाटा संग्रहित करने को जलाना कहते हैं या बर्निंग ऑफ डाटा कहते हैं। जलाना कहते हैं एक तरीके से कि वो डाटा आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, जैसे कोई भी सामान है वो जल जाता है, सपोज डैट ये बोतल है ये जल गई, तो ये बोतल आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी, आप इस बोतल का कोई भी यूज नहीं कर सकते, इस बोतल को आप दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते, चलो ये बोतल है ये जल गई अब इसको हम दूसरा रूप दे दें, नहीं दे सकते। बिल्कुल उसी तरीके से कि यदि रोम में एक बार डाटा सेव हो गया तो उस डाटा में आप किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा रहेगा। उसके बाद आता है एक नोट बात हो रहा है, जबकि प्राइमरी मेमोरी में डाटा सेव करने को करने को लिखना कहते हैं।
एवं डाटा प्राप्त करने को पढ़ना कहते हैं, कि जो रोम होता है वो जो सॉरी रोम होता है उसमें डाटा संग्रहित करने को क्या कहते हैं, जलाना कहते हैं, बर्निंग ऑफ डाटा कहते हैं। जबकि जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें डाटा सेव करने को लिखना कहते हैं, क्या कहते हैं, डाटा सेव करने को लिखना कहते हैं और डाटा प्राप्त करने को पढ़ना कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ना कहते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो आपको सारा सारा याद करना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है ऐसे करके कि चलो यार ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मैं इसको छोड़ दूँ, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जो मैं लिखा रहा हूँ वो सारा सारा इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे लिखा नहीं रहा कि आपका चलो नॉलेज बढ़ जाए मैं आपको बहुत सारा लिखा दूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं बिल्कुल सिलेक्टेड लिखा रहा हूँ जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई करो। मैं इस बात का सपोर्ट नहीं करता कि आप नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ो, प्रेजेंट टाइम में आपका टारगेट है एग्जाम क्वालिफाई करना, एग्जाम क्रैक करना, तो आप स्पेशली फोकस करो कि आप एग्जाम किस तरीके से पास कर सकते हो, ना कि इस टॉपिक पर कि आप नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हो। नॉलेज आप बाद में बढ़ा सकते हो, आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई करो, आपका जो टारगेट है सपोज डेट आपका जेल्फ का टारगेट है, किसी का पटवार का है या फिर किसी का राजस्थान पुलिस का है, क्योंकि कंप्यूटर उन्हीं में आता है। कोई भी एग्जाम लो एनीवे, कोई भी एग्जाम, सपोज डेट मैं जेल्फ का ले रहा हूँ, आप प्रेजेंट टाइम में एग्जाम क्वालिफाई करने के टारगेट से पढ़ो और जोन में आप जेल्फ क्वालिफाई कर जाओ। अब उसके बाद यदि आपको नॉलेज बढ़ाना है, पूरी ज़िंदगी आपके पास, आपकी 20-22 साल एज हुई है या सपोज डेट आपकी 25 साल एज हो गई, तो आप जियोगे तब तक की उम्र है आपके पास अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन अब इस टाइम में आप इस तरीके से पढ़ो जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ। तो बिल्कुल अब कंटिन्यू करते हैं, बहुत हो गया लेक्चर। रोम एक बिल्ट इन मेमोरी है, रोम एक बिल्ट इन मेमोरी है, जो रोम है वो एक बिल्ट इन मेमोरी, क्या है, एक बिल्ट इन मेमोरी है। रोम के एग्जांपल, रोम के एग्जांपल क्या क्या है मैं आपको बताता हूं, जैसे हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड है, फ्लॉपी, फ्लॉपी ड्राइव है, स्पूल है, सीटीडी है, सीडी है, डीवीडी है, ऑडियो टेप है, टेप ETC। ये कुछ रोम के एग्जाम्पल हैं, जैसे हार्ड ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, फ्लॉपी ड्राइव है, स्पूल है, सीटी है, सीडी है, डीवीडी है और ऑडियो टेप है। ये कुछ है जो रोम के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रोम के प्रकार, रोम के प्रकार, रोम के प्रकार। सबसे पहले है प्रोम, प्रोम, उसके बाद है ई प्रोम, उसके बाद है ई प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम, ये रोम के प्रकार हैं। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे चैप्टर 12, उसमें मैं आपको इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, साथ ही साथ जो सेकेंडरी मेमोरी के जो भी एग्जांपल थे उन सभी एग्जांपलों को समझाऊंगा, वहाँ जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी को वहाँ पढ़ाऊंगा मैं। एक इम्पोर्टेंट बात और है, प्राइमरी मेमोरी नोट है ये, प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः IC सेमीकंडक्टर IC के रूप में होती है। कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो मुख्यतः IC या सेमीकंडक्टर के रूप में होती है, किसके रूप में होती है, या तो IC के रूप में या फिर सेमीकंडक्टर के रूप में होती है। इसमें IC का प्रयोग किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी में इसमें IC का प्रयोग किया जाता है,
कि जो प्राइमरी मेमोरी है इसमें आईसी का प्रयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत किया हूँ, एक लाइक बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करो यदि आप फर्स्ट टाइम में देख रहे हो, बेल आइकन को दबाओ जिससे आप इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो मिस ना कर पाओ, साथ ही साथ ऐसे डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके की वीडियो मिस ना कर पाओ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे मेरा भी सपोर्ट हो और आपका भी अच्छा इन्वायरमेंट बने कि यार वो दोस्त मेरे साथ ये वीडियो शेयर करता है। तो इस तरीके का जो आईसी होते हैं, आईसी सिलिकॉन चिप होते हैं, सिलिकॉन से बने चिप होते हैं, कि जो आईसी है वो सिलिकॉन से बने चिप होते हैं। क्या होते हैं? सिलिकॉन से बने चिप होते हैं। कि प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः आईसी या सेमीकंडक्टर के रूप में होती है। आईसी का प्रयोग जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें आईसी या सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। आईसी एक सिलिकॉन चिप होती है। क्या होती है? सिलिकॉन चिप होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है मैं अभी कुछ टाइम में अपलोड करने वाला हूँ, वो भी आप जरूर देखना। चैप्टर 12 भी देखना। मैं बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर पढ़ाऊंगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अच्छा लगा हो तो नहीं, अच्छा लगेगा वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सही ढंग से समझाने की कोशिश की है, तो लाइक तो बनता ही है, इसमें कोई वो नहीं है, आपको लाइक तो करना ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक्स देखने के लिए, बाय।